अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है शुक्रवार, मॉर्निंग टाइम, मैंने मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट किया है। आज आप लोगों के साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग में जो काम है, सबसे पहले गर्म पानी करना, क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो इस टाइम थोड़ा मतलब वार्म वाटर पीना सही है। तो उसके लिए मैं गर्म पानी कर लूँगी। इलेक्ट्रिक केटली है, इसमें तुरंत पानी गर्म हो जाता है, 1 मिनट में गर्म हो जाता है पानी। तो पानी गर्म करके मैं थोड़ा अभी पीऊँगी, और मतलब बाकी के पानी जो है मैं उसमें फ्लास्क में रख दूँगी। और उसी गर्म पानी से मेरा सबसे पहला काम जो होता है थायराइड का गोली लेना, ये मैं लगातार लेती जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो आखिरी दिन तक इसको हमको लेना है। थायराइड की गोली लेने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो आज का ब्रेकफास्ट कुछ हैवी बनने वाला है, तो इसलिए मैंने सुबह ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया, ना ही उबला हुआ अंडा लिया है। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी बीट रूट पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। बीट रूट मैंने पहले से काट के रखा हुआ है। अभी मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है गैस पर, उस पर मैंने 1 चम्मच अदरक डाला है, 2 हरी मिर्च डाले हैं मैंने। कई तरीके की बनता है ये पराठा, जैसे आप ग्रेट करके भी बना सकते हैं, कद्दूकस करके, मतलब बीट रूट को आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके उसमें आटा मिला के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा तेल में सौटे करके तो बनाऊँगी इसका पेस्ट बना के। तो तेल में मैंने डाल दिया है बीट रूट। अब इसको हल्का सा मतलब सॉफ्ट कर लूँगी। हल्का सा नमक डाल के अब मैं इसको कवर कर दूंगी। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ना मिक्सी में पेस्ट करके फिर आगे का प्रोसेस। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ गड़बड़ की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन उम्मीद है कि आगे रोज़ व्लॉग आने वाला है आप लोगों के लिए, और वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। कीप वॉचिंग। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें मैंने अजवाइन डाला है और गरम मसाला और थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। बीटरूट का जो पेस्ट था वो भी मैंने आटे पे डाल के, बस आटे को ऐसे ही जैसे रोटी बनते हैं ऐसे डो बना लीजिएगा। और एक एक करके पराठे को मैं सेक लूँगी। ये सब वीडियो में मैंने फुल नहीं दिखाया, क्योंकि रोटी बेलना और पराठे बेलना, उसको सेकना तो सभी को आता है, तो इसलिए वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ ही साथ हेल्दी भी है, तो आप ज़रूर बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आज हम लोगों का नाश्ते में यही है बीटरूट पराठा। तो इसको मैं दही के साथ खाऊंगी, और लेफ्टओवर दाल की सब्ज़ी रखे हुए हैं, तो उसे से मेरे हस्बैंड खा लेंगे। कितना कलरफुल दिख रहा है पराठा, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो अच्छा है ही। तो पराठे सारे मैंने बना लिए हैं। यहाँ पर खट्टा दही लिए हैं, उसमें मैंने 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट और 1 पिंच मैंने डाला है ब्लैक पेपर। इसको अच्छे से मिला के फिर बस तैयार हो गया, इसी से हम पराठे खा लेंगे।
वीडियो के लास्ट में एक DIY है, आप ज़रूर देखिएगा। अगला वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना थर्ड ट्राइमेस्टर का रूटीन।